सरकार चाहे गोली चलाए, जेल भेजे, लेकिन हम लोग कार सेवा प्रारंभ करने 6 दिसंबर अयोध्या आ रहे हैं। जो 14 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि कार सेवा हम आके करेंगे, हम कोई धर्म सभा या रैली अब नहीं करना चाहते, हम सीधे श्री राम जन्मभूमि पे सीधा राम मंदिर का निर्माण चाहते। जिस तरीके से ढांचा 1992 में तोड़ा गया था, उसी तरीके से हिंदू हुंकार के द्वारा श्री राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाना चाहिए। इसलिए हम लोग वो अयोध्या आ रहे हैं और 6 दिसंबर को और कार सेवा का प्रारंभ करेंगे। सरकार चाहे गोली चलाए, जेल भेजे या उसकी जो इच्छा वो करे, लेकिन हम लोग कार सेवा प्रारंभ करने 6 दिसंबर अयोध्या आ रहे हैं। जैसे कि प्रशासन का कहना है कि किसी भी नए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर कार्यक्रम की अनुमति नहीं देता है प्रशासन तो आप लोग क्या करेंगे? वो तो मैं 5 साल से सुनना हूँ प्रशासन को और हमेशा रोकने की कोशिश करती, 14 अगस्त को भी रोकने की कोशिश किया कि हम घुसने नहीं देंगे अयोध्या में, हम घुसे भी, श्री राम जन्मभूमि परिसर गेट भी तोड़े, अब कि हम उससे अच्छा और हिंदू समाज के लिए एक विश्वास, जो विश्वास जगे कि नहीं हम लोग मंदिर बनवा सकते हैं। अब ये राजनैतिक जुमला नहीं होना चाहिए कि जब चुनाव आ गए तो चलो धर्म सभा कर रहे हैं, 2 लाख लोगों को बुला लीजिए और उसके बाद निर्णय क्या निकला, कोई नहीं निकला, ना कोई तारीख, ना कोई योजना, राम मंदिर के लिए क्या भविष्य में करेंगे, ये सारी चीज़ें अब सब जुमलेबाजी हो चुकी हैं। सीधे कार सेवा शुरू की जाए और राम मंदिर का निर्माण। जिस तरीके से शिवसेना साथ में, देखिए मैंने शुरू में सबको इन्वाइट किया, तोगड़िया जी से भी बात हुई और जब सब अपने ही ढपली बजाना चाहते हैं, हाँ हाँ हम आएंगे 14 अगस्त को, उसके बाद नहीं आए, तो उसके बाद जब इन्होंने किया तो हम लोग साइड में हो गए। तो अब समस्या ये है कि हम चलने के लिए तैयार हैं लेकिन अगला नहीं चलने के तैयार, वो सोचता है कमलेश तिवारी उग्रवादी हैं, कमलेश तिवारी क्रांतिकारी हैं, इनके साथ पता नहीं कब थाना पुलिस हो जाए। तो हमारे देश की राजनेता ऐसे सोचते हैं, हिंदूवादी नेतृत्व तो ऐसा सोचता है, तो इससे अच्छा क्रांतिकारियों का जत्था है तो क्रांतिकारी कदम उठाते हुए कार सेवा शुरू कर। कुछ भी व्यवस्थाएं अभी तक सम्मिलित नहीं,